बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। फर्स्ट ईयर मैथ से, मैथमेटिकल इंडक्शन से हमने ये दो स्टेटमेंटें प्रूव करनी है। ये बेसिकली ये जो टर्म है ये जनरल टर्म इन एपी है अर्थमेटिक सीक्वेंस की, ये एंथ टर्म है, ये जनरल टर्म है, और ये आपके पास ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की जनरल टर्म है। तो पहले हम लिटिल बिट इंट्रोडक्शन ले लेते हैं अर्थमेटिक सीक्वेंस का। अर्थमेटिक सीक्वेंस क्या होता है? अर्थमेटिक सीक्वेंस एक ऐसे सीक्वेंस को कहते हैं जिसमें कोई भी दो कंजेक्टिव टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस क्या होता है जी, सेम होता है। जैसे ये 2, 5, 8, 11, 14 up to 1, ये मैंने आपके सामने ना सीक्वेंस लिखा है। तो सीक्वेंस में अगर आप देखें कोई सी भी ये दो कंजेक्टिव टर्म्स, ये पहली दो टर्म्स ले लें या सेकंड थर्ड ले लें या थर्ड फोर्थ ले लें, फोर्थ फिफ्थ ले लें, इनका डिफरेंस लें, इन दो का डिफरेंस लेके चेक करें, इन दो का डिफरेंस लेके चेक करें, इन दो का डिफरेंस एंड इन दो का, कोई सी भी दो टर्म्स का डिफरेंस, ये देखें 5 - 2 करें या 8 - 5 करें या 11 - 8 करें या 14 - 11 करें, कोई भी दो टर्म्स का डिफरेंस लेंगे तो ये कितना आ रहा है, 5 - 2 भी 3 होता है, 8 - 5 3 होगा, 11 - 8 3 होगा, 14 - तो कोई भी दो कंजेक्टिव टर्म्स का जो डिफरेंस होता है वो आपके पास क्या होता है, इसमें 3 होता है, राइट, 5 - 2। तो ये एक ऐसा सीक्वेंस है, इसको एपी कहते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो अर्थमेटिक सीक्वेंस कोई भी ऐसा सीक्वेंस होगा कि जिसमें जो टर्म्स लिखी जाती है, सीक्वेंस क्या होता है, सीक्वेंस एक फंक्शन होता है जिसकी डोमेन सेट ऑफ नेचुरल नंबर होती है, या यूं कह लें कि जब आप नंबर्स को किसी खास ऑर्डर को फॉलो करते हुए आप अरेंज करते हैं या नंबर्स को इन सम पर्टिकुलर ऑर्डर आप लिखते हैं तो देन वी गेट अ सीक्वेंस, राइट। तो ये अब आपके पास एक सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस में हमने जो माइंड में रखा हुआ ऑर्डर वो क्या है कि हम डिफरेंस को सेम लेके चल रहे हैं कि 5 - 2 ये भी 3 आएगा, 8 में कोई भी दो कंजेक्टिव टर्म्स, कंजेक्टिव मीन के फर्स्ट सेकंड सेकंड थर्ड थर्ड फोर्थ, बीच में से स्किप करके कोई टर्म्स आपने टर्म्स पिक नहीं करनी, दो कंजेक्टिव टर्म्स पिक करनी है। तो ये जो सीक्वेंस होगा इस सीक्वेंस को हम अर्थमेटिक सीक्वेंस कहेंगे, इसमें कोई भी दो टर्म्स का जो डिफरेंस होगा इट वुड बी सेम। तो अब ये जो आपके पास लिखी हुई है जनरल टर्म लिखी हुई है सीक्वेंस की, यानी एन की जगह कुछ भी पुट कर सकते हैं आप, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ये आपके पास ए एन जो है ना, ये एंथ टर्म है, इट इज एंथ टर्म, और ए वन आपके पास क्या है, फर्स्ट टर्म है, ए वन इज व्हाट, फर्स्ट टर्म, और डी आपके पास क्या है जी, डिफरेंस बिटवीन टू कंजेक्टिव टर्म्स है, डिफरेंस बिटवीन टू कंजेक्टिव टर्म्स। तो ये आपके पास क्या है, अर्थमेटिक सीक्वेंस को लेकर हमने जनरल टर्म डिफाइन की हुई है, राइट। तो ये ए एन, ए वन फर्स्ट टर्म, डी आपके पास दो कंजेक्टिव टर्म्स का डिफरेंस, और एन इस बात को डिनोट कर रहा है कि आप कौन सी टर्म डिटरमिन करने में इंटरेस्टेड हैं। अच्छा, एक बात और ध्यान में रखिएगा, इस सीक्वेंस की खास बात यह कि अगर फर्स्ट टर्म आपके पास ए वन है तो सेकंड टर्म के लिए आप क्या करेंगे, ए वन में डी को ऐड कर देंगे, इसी तरह थर्ड टर्म में के लिए जाने के लिए ए टू में डी ऐड करेंगे, ए फोर टर्म फाइंड करने के लिए थर्ड टर्म में डी ऐड करेंगे। तो मीन अगर आपको डी पता है और फर्स्ट टर्म पता है, ए वन पता है आपको, डी पता है, ए वन और डी की वैल्यू अगर नाउन है तो आप फिर पूरा सीक्वेंस क्या कर सकते हैं, डिटरमिन कर सकते हैं उसकी तमाम टर्म्स को। जस्ट ए टू कैसे फाइंड करेंगे, ये जो फर्स्ट टर्म है इसमें डी ऐड करेंगे, फिर ये जब ए टू आ जाएगा, ए टू में जब आप डी ऐड करेंगे तो यू विल गेट नेक्स्ट टर्म ए थ्री, यानी थर्ड टर्म आपके पास आ जाएगी, जब थर्ड टर्म में डी ऐड करेंगे तो फोर्थ टर्म आ जाएगी, एंड सो ऑन। इस तरीके से आप टर्म्स क्या कर सकते हैं, डिटरमिन कर सकते हैं, मीन लीडिंग और कंजेक्टिव जो प्रीसीडिंग टर्म होगी इनमें डी का डिफरेंस होगा, तो आप अगर प्रीसीडिंग टर्म में डी ऐड करेंगे तो आपके पास लीडिंग टर्म आ जाएगी, यानी प्रीवियस टर्म में आप डी ऐड करेंगे, वेरी प्रीवियस टर्म में डी ऐड करेंगे तो आपके पास वेरी नेक्स्ट टर्म आ जाएगी। अब ये कॉन्सेप्ट को जहन में रखते हुए इसके ऊपर हमने मैथमेटिकल इंडक्शन अप्लाई करनी है बाय द यूज ऑफ डेफिनेशन ऑफ द अर्थमेटिक सीक्वेंस। हम इसके ऊपर क्या करेंगे, लगाएंगे मैथमेटिकल इंडक्शन और प्रूव करेंगे कि ये स्टेटमेंट ट्रू है। तो अब सबसे पहले इसमें केस वन एंड देन हम केस टू और वही आपके पास के प्लस वन के लिए प्रूव करना है। तो ये देखते हैं कि कैसे ये प्रूव किया जा सकता है। तो लेट्स सी, सबसे पहले हम क्या करेंगे, केस वन, ये नेचुरल नंबर के लिए हम यूज कर सकते हैं व्हेन एन इज इक्वल टू वन, तो ए वन इज इक्वल टू ए वन, वन माइनस वन इंटू डी, तो ए वन इज इक्वल टू ए वन, जीरो डी, तो ए वन आ गया ए वन के इक्वल, तो ये इक्वल होता है, ए वन के इक्वल है, सेम टर्म्स हैं, तो दिस इंप्लाइज केस वन इज सेटिस्फाइड।
केस वन क्या हो गया, सेटिस्फाई हो गया। अब हम बात करते हैं केस टू की, विच इज सपोज स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू के। सपोज कर लेते हैं कि स्टेटमेंट ट्रू है किसके लिए, एन इज इक्वल टू के के लिए। अब ये आपने स्टेटमेंट दोबारा लिखनी है, जस्ट इसमें क्या करना है, ए एन की जगह पे के लिखना है, ए के इज इक्वल टू ए वन प्लस के माइनस वन इन टू डी, राइट। ये आ गया, वी हैव टू प्रूव ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू के प्लस वन। अच्छा जी, अब ये आपके पास गिवन है, के प्लस वन के लिए हमने प्रूव करना है। तो के प्लस वन के लिए प्रूव करने के लिए हम ये जो आपके साथ मैंने डिस्कस किया है कि अगर आपके पास ए वन गिवन है तो ए टू के लिए क्या करेंगे, ए वन में ना डी ऐड करेंगे, ए थ्री के लिए क्या करेंगे, ए टू में आप डी ऐड करेंगे। यानी वेरी नेक्स्ट टर्म फाइंड करने के लिए जो उसके बिल्कुल प्रीवियस टर्म होती है उसमें डी ऐड करना होता है। ए फोर के लिए ए थ्री में डी ऐड करेंगे अप टू सो ऑन। तो ए के प्लस वन वाली टर्म अगर आप फाइंड करना चाहते हैं तो इससे प्रीवियस टर्म ए के वाली टर्म होगी, तो ए के प्लस डी। ये देखें, अगर ए के आप फाइंड करना चाहते हैं ना तो इसके लिए आप क्या करेंगे, ए के माइनस वन प्लस डी। ये देखें दो कंजेक्टिव, ये के और ये के माइनस वन उससे वेरी प्रीवियस टर्म, फिर के प्लस वन तो इससे वेरी प्रीवियस टर्म के होगी, के से नेक्स्ट के प्लस वन है। तो के प्लस वन अगर आप टर्म फाइंड करना चाहते हैं, जैसे थ्री वाली टर्म आप फाइंड करना चाहते हैं तो ए टू में डी माइनस करेंगे, यानी थ्री में से वन अगर माइनस करें तो ये क्या होता है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ थ्री माइनस वन, तो ये के अगर होगा तो के माइनस वन और के प्लस वन होगा तो के प्लस ए के प्लस डी। तो ये अब हमने रिजल्ट यूज करना है ये के प्लस वन के लिए प्रूव करने के लिए। तो लेट्स सी कि ये कैसे होगा। वी हैव टू प्रूव स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू के प्लस वन एज इन अर्थमेटिक सीक्वेंस, या आप सिंपली लिखें ए पी। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता है, ए के प्लस वन किसके इक्वल होगा, ए के प्लस डी के इक्वल होगा, राइट। ये होगा ए के प्लस डी, ए के प्लस वन, ये रिजल्ट हमने यूज किया। अब आपने ए के की जगह पे ना इसकी वैल्यू पुट कर देनी है, ए के की क्या वैल्यू है, ए के की ये वैल्यू है इक्वेशन वन में, तो ए के की जगह पे ए वन प्लस के माइनस वन इन टू डी और ये आ गया प्लस डी, राइट। अब डी कॉमन ले लें, ए वन प्लस के माइनस वन प्लस वन और डी हमने कॉमन ले लिया, इन दोनों में से ना डी, यहां पे कुछ भी नहीं बचेगा, वन बचेगा, ये के माइनस वन, इनकी जगह चेंज कर दें। ये देखें ऐसे करना है, ए वन के प्लस वन माइनस वन इन टू डी। तो अब आप नोट करें यहां पे के प्लस वन आ रहा है ना, तो इधर भी के प्लस वन आ रही है, देखें के प्लस वन इधर, के प्लस वन यहां पे, एन है ना, देखें इधर एन आ रहा है तो एन माइनस वन डी। तो एन की जगह पे अगर के प्लस वन लिखें तो ये n की जगह पे k प्लस वन, तो ये स्टेटमेंट बन रही है। तो आप यहां पे लिख देंगे इंडक्शन इज कंप्लीट, इंडक्शन इज कंप्लीट, सो स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। अब हम ये एक स्टेटमेंट है, ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। ज्योमेट्रिक सीक्वेंस क्या होता है, इसको भी डिफाइन कर लेते हैं। ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में नंबर्स को इस तरह हम ऑर्डर करते हैं, दिस इज व्हाट ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। तो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस को पहले हम डिफाइन करते हैं कि ज्योमेट्रिक सीक्वेंस क्या होता है। ज्योमेट्रिक सीक्वेंस होता है जैसे ये 2 है, फिर 6, 18, 54 अप टू सो ऑन। ये आपके पास एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। क्यों ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है, क्योंकि यहां पे दो कंजेक्टिव टर्म्स की जो रेशियो होगी ना, 6 को 2 पे डिवाइड करें या 18 को 6 पे डिवाइड करें या 54 को 18 पे डिवाइड करें, कोई भी दो कंजेक्टिव टर्म्स को अगर आप डिवाइड करें तो यू विल गेट 3। तो 3 की जगह कोई भी नंबर आ सकता है, यहां पे 3 मतलब यू कह लें कि लकीली दोनों में हमने सेम लिया प्रीवियस एग्जाम्पल में भी, और इसमें भी जरूरी नहीं है कि हर सीक्वेंस में ये जो रेशियो है या डिफरेंस है वो 3, कुछ भी आ सकता है। हम यहां पे एक और भी सीक्वेंस लिख लेते हैं, 1 और ये 4 आ गया, 16 आ गया, 64 आ गया, 256 आ गया, अप टू सो ऑन। अगर ये 4 बाय 1 करें, 16 बाय 4 करें,
64/16 करें, 256/64 करें, कोई भी दो कंजेक्टिव टर्म्स को आप डिवाइड करें तो यू विल गेट व्हाट, 4, 4, 4, कोई भी दो कंजेक्टिव टर्म्स को, हर दफा आपके पास 4 ही आएगा। तो अगर कोई सीक्वेंस में नंबर्स इस तरह के लिखे हुए हैं कि कोई भी दो कंजेक्टिव नंबर्स की अगर रेशो लें और आंसर सेम आए, तो ऐसे सीक्वेंस को ज्योमेट्रिक सीक्वेंस कहते हैं। ऐसे सीक्वेंस को क्या कहेंगे? ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। तो अब ये आपके सामने ज्योमेट्रिक सीक्वेंस लिखा हुआ है और ये जो आपके पास है जनरल टर्म इन ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है, ये दिस इज जनरल टर्म इन ज्योमेट्रिक सीक्वेंस जिसे हम प्रूव करने जा रहे हैं, ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की जनरल टर्म है, राइट? दिस इज ज्योमेट्रिक जनरल टर्म इन ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। ए एन यहां पर क्या है? nth टर्म है, ए एन nth टर्म है, ए वन आपके पास फर्स्ट टर्म है, राइट? और आर आपके पास क्या है? रेशो बिटवीन टू कंजेक्टिव टर्म्स, ठीक है? अच्छा, अब इसमें जनरल जो आपके पास ऑर्डर है वो क्या है? अगर आपके पास ए वन गिवन है तो आप ए टू कैसे फाइंड करेंगे? ए वन को आर से मल्टीप्लाई कर देंगे। ए थ्री आप कैसे फाइंड करेंगे? ए टू को आर से मल्टीप्लाई करेंगे। यहां पे उधर डी ऐड करते होते थे, यहां पे आर मल्टीप्लाई करेंगे, राइट? ए थ्री को आर से मल्टीप्लाई करें तो ए फोर, यानी वेरी प्रीवियस टर्म को अगर आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वेरी नेक्स्ट टर्म आपके पास आ जाएगी। तो ये जर्नल आपने ऑर्डर को फॉलो करते हुए इस स्टेटमेंट को प्रूव करना है। वहां पे डी ऐड होता था, यहां पे क्या होगा? आर मल्टीप्लाई होगा, नथिंग एल्स। अच्छा जी, अब इसको भी वैसे ही प्रोसीड करेंगे। सबसे पहले केस वन, बस ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की यहां पे ना डेफिनेशन लेफ्ट एंड पे अप्लाई करनी पड़ेगी, ये रिजल्ट हमें यूज करना पड़ेगा इसमें, जर्नल ऑर्डर सीक्वेंस। व्हेन एन इज इक्वल टू वन, तो ए वन इज इक्वल टू ए वन आर की वन माइनस वन, ए वन आर की वन माइनस वन जीरो, तो जो पावर जीरो होती है वन के इक्वल आता है, तो ये वन लिखिए ए की बात। केस वन इज सेटिस्फाइड। अब हम बात करते हैं केस टू की तरफ आते हैं। सपोज स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू के, एन इज इक्वल टू के लिए स्टेटमेंट हम मान लेते हैं ट्रू है, ए वन आर की पावर के, इसको वन का नाम दे देते हैं। अब वी हैव टू प्रूव स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू के प्लस वन, एन इज इक्वल टू के प्लस वन के लिए स्टेटमेंट को प्रूव करना है कि ये क्या है? ट्रू है। तो फॉर दैट पर्पज हम क्या करेंगे? ए के प्लस वन इज इक्वल टू, ये रिजल्ट यूज करेंगे, ए के इंटू आर, राइट? ये आपके पास क्या आएगा? के माइनस वन। अब आपने क्या करना है? ए के की जगह पे ना ए के की वैल्यू पुट करनी है, सिंस, बल्कि यहां पे आप लिखें सिंस इन ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, सिंस इन ज्योमेट्रिक सीक्वेंस क्या होता है? ए के प्लस वन इज इक्वल टू ए के इंटू आर, तो ए के प्लस वन, ए के कितने के इक्वल होगा? ए वन आर की के माइनस वन इन टू आर, यह आ गया यूजिंग वन। तो अब ये आर की पावर वन है, तो आपने क्या करना है? बेसिस सेम, तो पावर जेड होंगी, लेकिन कटिंग नहीं करनी यहाँ पे, के माइनस वन प्लस वन जगह चेंज कर दें, ए वन आर की के प्लस वन माइनस वन, तो ये देखें ए की के प्लस वन, ये k प्लस वन इधर भी आ रहा है इधर भी, तो अगर k प्लस वन को n से रिप्लेस करें तो मेन जो स्टेटमेंट गिवन है वो बन जाती है। यहाँ पे भी आप क्या लिखेंगे? इंडक्शन इज कंप्लीट, सो स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। अच्छा जी, अब ये एक रिजल्ट है, गिवन इन मैट्रिसेस इफ a b इज इक्वल टू ba, मतलब अगर मैट्रिसेस कम्यूट करें तो ये प्रॉपर्टी भी होल्ड करेगी, ए बी की पावर एन इज इक्वल टू बी की एन इन टू ए। यह अब हमने प्रूव करना है बाय मैथमेटिकल इंडक्शन। आम तौर पर मैट्रिसेस में क्या होता है, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती, ए बी बी ए के इक्वल नहीं होता, लेकिन सम केसेस ऐसे हैं कि जिनमें ए बी और बी ए इक्वल हो जाता है, तो कहते हैं उन केसेस के लिए आप ये रिजल्ट प्रूव करें। तो सबसे पहले वही काम करेंगे, केस वन व्हेन एन इज इक्वल टू वन, एन की जगह पे वन पुट करें, बी की वन ए, ए बी इज इक्वल टू बी ए। अब देखें बी ए किसके इक्वल है? ए बी के इक्वल है ना, तो बी ए की जगह पे आप वन को यूज करते हुए ए बी लिख सकते हैं, राइट? यूजिंग वन। तो अब ये ए बी के इक्वल ही होता है,
तो केस वन इज सेटिस्फाइड, केस वन क्या हो गया, सेटिस्फाइड हो गया। अब केस टू की तरफ आते हैं। सपोज स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो आप n की जगह पे k रिप्लेस कर देते हैं, b की k a, इसको आप 2 का नाम दे दें। अब हमने क्या करना होता है, वी हैव टू प्रूव स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। बल्कि आप एक काम करें, इसको आप 2 का नाम दे दें और इसको 3 का नाम। अब इसमें आपने पता क्या करना है, जो इस तरह की आइडेंटिटीज होती हैं उनमें पुट n इज इक्वल टू k प्लस 1 इन इक्वेशन 2, 2 में n की जगह पे ना k प्लस 1 पुट कर दें। यह आ गया k प्लस 1 b की k प्लस 1 इंटू a। तो अब आपने ना ये इक्वेशन 4 कह दें, लेफ्ट हैंड साइड लेके ना उसको हमने राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, ये दो स्टेटमेंट, एक लॉग वाली और एक ये वाली, इनमें आपने ये इस तरीके से प्रोसीड करना है। ये लेफ्ट हैंड साइड ले ली, अब ए बी के इंटू बी, ये बेस को ब्रेक कर दिया, देख लें बेसिस सेम होना, पावर्स अगेन ऐड हो जाती है। तो ए बी की के, बी की के इंटू बी की वन अलग कर दिया, ये बेसिस सेम है, पावर्स ऐड होके वही फॉर्म ऊपर वाली वापस बन सकती है। अब ये किसके इक्वल है, इक्वेशन 3 की तरफ देखें, ए बी की पावर के किसके इक्वल है, बी के ए के इक्वल है, राइट, यूजिंग इक्वेशन 3। हमने 3 यहां पे यूज की, ये इन पे ना हमने प्रॉपर्टी अप्लाई की इक्वेशन 3 से। अब इक्वेशन 1, ए बी किसके इक्वल है, बी ए के इक्वल है। 1 में देखें ए बी बी ए के इक्वल है, तो बी के इंटू बी ए यूजिंग 1। तो अब आपके पास क्या आएगा, अच्छा जी बी के बी ए, बी ए अब किसके, ए बी किसके इक्वल है, बी ए के। अब बी के इंटू बी, ये बेसिस सेम तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, बी के प्लस 1 इंटू ए, तो विच इज राइट हैंड साइड। तो अब आपने क्या लिखना है, दिस इंप्लाइज इंडक्शन इज कंप्लीट सो स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। अच्छा जी ये वैसे ही है बिल्कुल, व्हेन एन इज इक्वल टू 1, एन को 1 रखा, तो ये देखें 1 प्लस x, ये इक्वालिटी, ये बर्नौली इनइक्वालिटी, वेरी इंपॉर्टेंट इनइक्वालिटी है रियल एनालिसिस में, इसको आप बड़े गौर से देखिएगा। व्हेन एन इज इक्वल टू 1 पुट किया तो ये रिजल्ट आ गया। अब इसके बाद हमने ना स्टेटमेंट को सपोज कर लिया कि ट्रू है फॉर एन इज इक्वल टू के, के बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब हमने नेक्स्ट स्टेप जो करना है, वी हैव टू प्रूव स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू के प्लस 1। n इज इक्वल टू के प्लस 1 के लिए हमने प्रूव करना है कि स्टेटमेंट ट्रू है। तो अब यहां पे ना 1 प्लस x की पावर k प्लस 1 लेकर आना है। तो हम एक काम कर देते हैं, मल्टीप्लाइंग 1 बाय 1 प्लस x ऑन बोथ साइड्स। ये देखिएगा, ये स्टेप हमारी हेल्प करेगा टू अप्रोच द फाइनल रिजल्ट। तो 1 प्लस x को इधर भी मल्टीप्लाई कर दें और 1 प्लस x को इस साइड पे भी मल्टीप्लाई कर दें। दोनों साइड्स पे हमने क्या किया है, 1 प्लस x को मल्टीप्लाई कर दिया है। ये 1 आ गया प्लस के एक्स प्लस एक्स प्लस के एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू, ये बेसिस एम तो पावर्स ऐड हो जाएंगी इस साइड पे, k प्लस 1 आ गया, राइट। अब आपके पास जरा देखिएगा, हमने k प्लस 1 लेकर इन दोनों में से ना x कॉमन ले लें, तो 1 प्लस के प्लस 1 इंटू एक्स प्लस के एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1 प्लस एक्स की पावर के प्लस 1। अब देखिए अगर यहां पे n की n पुट करें ना, n 1 प्लस एन एक्स 1 प्लस एक्स की पावर n के प्लस 1 को अगर, तो ये टर्म आपके पास क्या आ रही है, एक्स्ट्रा आ रही है, दिस इज एक्स्ट्रा के एक्स स्क्वायर। अब हम देखते हैं अगर ये पॉजिटिव है, देखें पॉजिटिव टर्म अगर लेस साइड पे है उसको ड्रॉप कर दें तो इन इक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब हम क्या लिखेंगे, 1 प्लस के प्लस 1 इंटू एक्स, इसको हम ड्रॉप कर देते हैं, लेस देन इक्वल टू 1 प्लस एक्स की पावर के प्लस 1। तो यहां पे क्या, सिंस के इज ग्रेटर देन 0, क्योंकि के नेचुरल नंबर है, क्यों के नेचुरल नंबर है, के नेचुरल नंबर के लिए स्टेटमेंट हम प्रूव करते हैं, ये लिखा हुआ है। तो नेचुरल नंबर पॉजिटिव होते हैं पहली बात, और दूसरी बात स्केयर इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। स्केयर हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो के एक्स स्केयर क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। तो अगर पॉजिटिव टर्म को लेसर वाली साइड से ड्रॉप कर दें
तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपने क्या लिखना है यहां पे, सो के एक्स स्क्वायर इज निग्लेक्टेड, के एक्स स्क्वायर को हमने क्या कर दिया, निग्लेक्ट कर दिया। तो अब ये आपके पास स्टेटमेंट प्रूव हो गई है। तो यहां पे आप लिखेंगे इंडक्शन इज कंप्लीट, सो स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर, इज ट्रू फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स।